Good morning, children. I am Shubha Dingra. Today I am going to teach you GK conversation. कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी. बाय सेल्फ के बारे में आप अपने आप को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, कैसे बताओगे. अगर कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कितने साल के हो, आपके पापा का नाम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बताना है. तो चलिए मैम के साथ साथ आप लोग भी मेरे साथ बोलिए. जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज शुभा डिंगरा, माई नेम इज मोना, माई नेम इज श्लोक डिंगरा. ऐसे आपको बताना है कि मेरा नाम क्या है. अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे. आई एम फाइन, थैंक यू. अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तब क्या बोलोगे. आई एम फोर ईयर्स ओल्ड, आई एम फाइव ईयर्स साल के हो, तो आप आई एम फोर ईयर्स ओल्ड, आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड. ऐसे आपको बताना है कि आप कितने साल के हो. अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तब क्या बोलोगे. माई फादर्स नेम इज, फॉर एग्जाम्पल माई फादर्स नेम इज डॉक्टर विजय कुमार सिंह. इसी तरह आपको बताना है कि आपके पापा का नाम क्या है. अगर कोई पूछता है वेयर डू यू लिव एट, आप कहाँ रहते हो. आई लिव एट समस्तीपुर, आपको ये बताना है. अगर आप जहाँ भी रहते हो जगह के नाम आप बता सकते हो कि आपको कहाँ रहते हो. इसी तरह आपको अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आप क्या बोलोगे. अगर कोई आपसे पूछता है आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे. द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट्रल पब्लिक स्कूल. अदरवाइज आप जो भी स्कूल में पढ़ते हो आप स्कूल का नाम बता दीजिएगा. तो आप मेरी बात समझ रहे हो, आप मैम की बात समझ रहे हो कि मैम आपको क्या बताना चाह रही है. अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप क्या बोलोगे. आई रीड इन क्लास नर्सरी, आई रीड इन क्लास मॉन्टेसरी. इसी तरह आपको अपने क्लास के बारे में बताना है. अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, तब क्या बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल माई, आप क्या बोलोगे. माई क्लास टीचर नेम इज शुभा डिंगरा, मिल्की मैम, सोनी मैम. इस तरह से आप अपने क्लास टीचर के बारे में बता सकते. चलिए फिर मैं आपको और भी कुछ अच्छी बातें बताती हूँ, और भी कुछ सिखाती हूँ. मैम आपकी क्लास में है तो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएगी, और भी कुछ बताएगी. तो चलिए हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है. अब हम लोग, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट, नेशनल फेस्टिवल, तो आपको आप कैसे बताओगे. हमारे राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार क्या है, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है. तो चलिए जानते हैं कैसे बताएंगे हम. टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. समझ में आ रही है मैम आपको क्या बोल रही है. अगर कोई फिर आप क्या करोगे. पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, तो आपको ऐसे बताना है. पिकॉक मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. आप लोगों को समझ आ रहा है मेरी बात, मैम की बात आप समझ पा रहे हो कि मैम आपको क्या बता रही है. अगर कोई हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट. तो हम मैंगो खाते हैं ना, गर्मी के मौसम में मिलता है जो कि बहुत मीठा होता है, हमें पसंद है, आप लोगों को पसंद है, यस आप लोगों को बिल्कुल पसंद है, ये सबको पसंद आता है. आप लोग समझ गए मैम की बातें, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे. तो चलिए आगे जानते हैं और हम अच्छी बातें जानते हैं. तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द वीक, तब क्या बोलोगे. देयर आर 7 डेज इन ए वीक. सप्ताह होता है ना, हम लोग सिखाते हैं ना. संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. आप लोग समझ गए कि मैम आपको क्या बता रही है. अगर कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी आईज डू यू हैव, तो आप क्या बोलोगे. आई हैव 2 आईज. व्हाट डू यू डू विद योर आईज, हम अपने आंख से क्या करते हैं, तो आप क्या बोलोगे. आई सी विद माई आईज, हम अपने आंख से देखते हैं ना. यस देखते हैं, हम अपनी आंखों से सब चीज देखते हैं, सब चीज देखते. अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, आपके पास कितने कान हैं, तब क्या बोलोगे. आई हैव 2 ईयर्स. व्हाट डू डू विथ योर ईयर्स, तब क्या बोलोगे. आई हियर विथ माई ईयर, हम अपने कान से सुनते हैं, समझते हैं. अगर कोई पूछता है आपसे हाउ मेनी नोज डू यू हैव, तब क्या बोलोगे. आई हैव
one nose. What do you do with your nose? I smell with my nose. हम अपने nose से smell करते हैं, सूंघते हैं. आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैम आपको क्या बता रही है आप समझ पा रहे हो? तो चलिए आप लोगों को कुछ और अच्छी बातें सिखाते हैं, गुड मैनर्स सिखाते हैं. गुड मैनर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? गुड मैनर्स का मतलब होता है अच्छी आदतें. जो आपको अभी आपकी क्लास में जो मैम है वो आपको बताएगी गुड मैनर्स क्या है. अगर आपके क्लास रूम में कोई भी टीचर या सर आते हैं सुबह में, तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. अगर आप आते हैं तो आप यही बोलोगे. ये बहुत अच्छी आदतें होती है. छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए मैम क्या बोल रही हो. तो मैम जो बात आपको समझा रही है आप समझ रहे हो ना? यस, आप समझ रहे हो. अगर आपको क्लास से बाहर जाना है वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, पानी पीने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई गो टू टॉयलेट. आप ऐसे बोल के क्लास से बाहर जा सकते हो. मैम से परमिशन लेके आप बाहर जा सकते हो. अगर आपको क्लास के अंदर आना है, मैम से परमिशन लेना है, तो आप क्या बोलोगे? मैम मे आई कमिंग मैम. तो मैम बोलेगी यस यू कम इन क्लास रूम. आप क्लास के अंदर इन कर सकते हो. आपने मेरी बात को समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा आप बहुत. तब फिर मैं आपको बताऊंगी अगले क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. सेफ रहें, सुरक्षित रहें. बाय बाय.